हर छात्र का सपना होता है कि वो किसी तरह जी तोड़ मेहनत करे और अपनी मंजिल को पा सके, लेकिन रास्ते में सरकारी तंत्र ही रोड़ा बनकर आ जाए तो ठेस लगना स्वाभाविक है। बिहार के मूल रूप से सिवान के रहने वाले एक छात्र की जब आप पीड़ा सुनेंगे तो भावुक हो उठेंगे। ना सिर्फ सरकारी तंत्र से परेशान है, बल्कि इस पूरे व्यवस्था ने उसे ऐसी चोट दी कि पढ़ाई से ही दिल टूट गया और गुस्सा किताबों पर निकल गया। दर्द से ऐसा छटपटाया कि सारी किताबें फाड़ दी। दरअसल बिहार में एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में छात्रों का आंदोलन 24 जनवरी से जारी है। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई गई तो कहीं तोड़फोड़ की गई। हालांकि अंत में सारी परेशानियों को दूर करने के आश्वासन पर आंदोलन की रफ्तार रुक गई। इस बीच कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें छात्रों को कहीं पीटा गया तो कहीं लॉज में घुसकर भी पुलिस ने पीटा। छात्रों का सीधा आरोप था कि ना तो समय पर परीक्षा होती है और ना ही रिजल्ट आता है, अगर कुछ होता भी है तो सब लेट। इस पूरी व्यवस्था से परेशान होकर सिवान के रहने वाले एक छात्र ने अपनी सारी किताबें फाड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो एबीपी न्यूज के हाथों लगा तो इसकी हमने पड़ताल की। पता चला कि पटना के मुसल्लरपुर हाट के प्रोफेसर कॉलोनी में एक लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र पुष्पेंद्र कुमार ने ऐसा काम किया है। पुष्पेंद्र ने एबीपी न्यूज से बात की और बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। ये बता रहे हैं कि क्या आप काफी रो रहे थे? जी सर, रोना अब क्या करेंगे महाराज, अब रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। 25 साल 26 साल उम्र गुजार दी है, अब यहाँ से हम दूसरा लाइफ सोचेंगे, पहले ही सोच लिए होते। सरकारी नौकरी के भरोसा में हम 19 से बैठे हैं तो हमारा बहुत लॉस हो गया। लॉस हुआ, 4 साल 5 साल हमारा गुजर गया इसी में, तो हमको तो अच्छी होगा ना। अरे मोदी जी की तरह थोड़ी जाए, हम लोग बोलते हैं चाय बेच के प्रधानमंत्री, चाय बेच के बोल रहे हैं कि हम पकौड़ी बेचे या अथी बेचे, अब कैसे चलेगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब मोदी जी से यह अथी रह गई बा कि जौना उम्मीद से उनकर के लैनी सन वो से बुरी तरह से हार के जइह मोदी जी, बाकी कुछ नहीं के रह गए। युवा गुस्से में है, बहुत गुस्से में है हम लोग महाराज, बहुत यहाँ अथी हो रहा है ना मोदी जी से। देखिए हम लोग बीजेपी को कुछ क्या क्या निकाले हैं अभी तक आप? हम मात्र 2-3 एग्जाम दिए, पहले फौज की तैयारी को SSC GD, उसके बाद से रेलवे की तैयारी में लग गए। TT निकाल लेते हैं। हाँ, अब यहाँ SSC रेलवे में है तो क्या है, 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ, 2 साल भर्ती के इंतजार में ऐसे ही गुजर रहा है। 19 से हम एग्जाम नहीं दिए, एगो बिहार पुलिस दिए तो बिहार पुलिस का हम तैयारी नहीं करते। कैसे एक वीडियो वायरल हुआ है, हम देख रहे हैं कि कुछ दूरी से किताब फाड़ा जा रहा है, वो आपका है? जी सर, मैंने फाड़ा। तंग आ गए हैं इस सिस्टम से और इस सरकार से, अब ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते, अब घर जाना है, अब बाकी पढ़ाई वढ़ाई खत्म, क्या करेंगे महाराज। 18 से हैं यहाँ, 18 से मात्र 2 एग्ज़ाम दिए हैं, SSC GD का और रेलवे का एग्ज़ाम अभी तक है, पेंडिंग है, 2024 तक जाएगा, अब क्या करेंगे। मोदी जी विद्यार्थियों के लिए हानिकारक हो गए। और रही बात की आज का आंदोलन था तो हम लोग नहीं गए, इसलिए ये आंदोलन बुझे कि प्योर पॉलिटिकल हो गया है, सब लोग आके पार्टी वाला झंडा लेके घूम रहा है, इसलिए हम लोग कहीं कुछ नहीं गए। अब खान सर अरेस्ट कर लिए, हमको भी अरेस्ट करके अंदर उधर सब कर रहा है सब कुछ, कोई कहाँ जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे अपने, अब पढ़ाई वढ़ाई बंद हो कर दिए हैं, किताब सारा फाड़ दिए, सब फाड़ दिए, हम नहीं जाना पढ़ने वाने किसी में। आखिर किताब फाड़ने कभी तो ये काम देता नहीं, किताब फाड़ने का मतलब क्या है, मतलब कि अब हम यहाँ से बहुत दुखी होकर जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि खुशी है कि हम जाएँ यहाँ से। अरे आए थे बहुत सपना लेके आए थे, सपने के साथ आया था कोई, अब इस तरह जाना कभी नहीं सोचे थे कि हम इस तरह कभी जाएंगे, एकदम थक चुके हैं। हाँ, थक चुके हैं इस सिस्टम से, वो अपना चुनाव देख रहा है, सरकार हम लोग ऊपर कोई ध्यान नहीं, उसका उसका तो अपना चुनाव से मतलब, कमेटी ले गया है 4 महीने। अच्छा, गार्जियन का भी दबाव होगा? ना ना, गार्जियन का कोई दबाव नहीं है, किताब फाड़ने के पीछे क्या गार्जियन कोई दबाव नहीं। यहाँ जो जो हंगामा हो रहा है इसकी जानकारी गार्जियन को मिली होगी आपको फोन फाट पर? बात बोल रहा था कि घर आ जाओ, घर पर आएंगे करेंगे, क्या करेंगे, बुलाया कि घर आ जाओ, हंगामा है, क्या करोगे। पिताजी क्या करते हैं? किसान। किताब क्या, कितने भाई हैं आपको? हम 3 हैं। छोटे हैं? नहीं, 2 हैं। देखिए अब जो भी है, बहुत बुरे हालत हो गया है यहाँ पर सबका, वही दस क्या करेंगे घर पर जाकर? अब घर पर जाकर अपना कुछ काम धंधा सोचेंगे, मैनेज प्लान देगा, अब इसे तो कितना दिन गुजारेंगे, अभी कोई डेट फिक्स ना होगा,
चार मार्च को रिजल्ट देगा, ऐसे ही टान के ले जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, फिर 24 के चुनाव से। वहीं दूसरी ओर अपने दोस्त को इस कदर टूटा हुआ देख उसका दोस्त और रूम पार्टनर निखिल कुमार समझाता रहा। औरंगाबाद के रहने वाले निखिल ही हैं जो वायरल वीडियो में अपने दोस्त को ये समझाते दिख रहा है कि किताब ना फाड़े। निखिल ने बताया कि पुष्पेंद्र पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार के सिस्टम के कारण वह किताब फाड़ने पर मजबूर हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुष्पेंद्र आगे पढ़ाई करे, लेकिन सरकार को भी छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। कल एक किताब जो फाड़ा जा रहा था तो देख रहे थे कि आप थे साथ में। जी जी। आप ही इनको किताब फाड़ने से मना कर रहे थे। जी सर। जैसे क्या मना कर रहे थे? जैसे बहुत दिन से हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम सरकार ला रही है इससे सभी विद्यार्थी ना खुश हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, ये तो किताब फाड़ने के बाद छोड़ दीजिए। कितने का उम्र ख़त्म हो रहा है, कितने का घर जीवन तंग आ चुके हैं कि मेरा लड़का इतना हो गया, 20 साल, 24 साल, 25 साल का हो गया, शादी भी करने का टेंशन है। एक तो पैसा आता है, माँ बाप देते हैं कि माँ के इतना दिन रह कर पटना में पढ़ना अब मुश्किल हो गया है। सरकार से ही निवेदन करते हैं, विनती करते हैं सभी छात्रगण की ओर से कि आप नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को सही करें। कोई छात्र 50 नंबर आनता है, कोई लड़का 60 नंबर आनता है, और नॉर्मलाइजेशन करके आप जो 50 नंबर आए उसको 70 कर दे रहे हैं, जो 60 नाना अपने दम पे वो 65 पे लटक जा रहा है, जो 50 नाना का रिजल्ट दे रहा है, जो 60 नाना के घर रह रहा है, कैसा आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है भाई? ये हम लोग आज तक समझ नहीं आ रहा है। जो CBT 2 लाने की बात कर रहे थे मोदी जी, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत इस बात की हमको है कि आप टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लीजिए, वैकेंसी निकाले उसी टाइम आप नोटिफिकेशन में डाल दें इस तारीख को हम एग्ज़ाम लेंगे, इस टाइम को ये होगा वो होगा, तब ठीक रहेगा। लेकिन वहीं से फॉर्म निकाल दिए हैं और आप 24-22 आ गया, अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, आप इनको मना कर रहे थे किताब फाड़ने से? क्या मना कर रहे थे कि छोड़िए, सब होता ही रहता है, सब पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। आप जब क्या रो भी रहे थे? बहुत बहुत पूछे मत, 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, टेंशन में इसको देख रहे हैं, बोले कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। अरे कैसा मत कीजिए, माँ बाप की आप स्थिति हैं, अगर नौकरी नहीं लेगा कमा खा के लेंगे, लेकिन बाप की आप उम्मीद कैसे तोड़ सकते हैं भाई? आप लोग इसीलिए इनको माना किए, लेकिन लास्ट तक बोले कि भैया हमको मन भूख छुटा पढ़ाई लिखाई से। आप सामने देख सकते हैं कि आप कोई फाड़ के भी दिए, लेकिन हम मना रहे हैं कि फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करें। लेकिन मोदी सरकार जब तक युवाओं पर अत्याचार करते रहेंगे, इस तरह की घटना आप लोग को देखने को मिले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कुमार है, हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हम लोग साथी 2 साल से साथी पढ़ रहे हैं, सेट मारना, ग्रुप डिस्कशन, साथी चल रहा है। इन्हें के पढ़ने में ठीक ठाक, खराब है ठीक ठाक है, अच्छा नंबर आनते हैं। एक बार ही CRPF GD में मेडिकल में अनफिट हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि अपने दम पे जो लड़का रिजल्ट दे सकता है वो पढ़ने में तो ठीक ही होगा, उसका ही हाल है, वो आगे का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। सरकार से ही निवेदन करेंगे कि आप लोग छात्र के दर्द को समझें। ABP News आपको रखे आगे।